नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से लेकर आए एक और मजेदार लिफ्ट एंड कैरी स्टोरी। राकेश काफी समय बाद अपने होम टाउन दिल्ली आता है। उस समय बाद वो एक जिम ज्वाइन कर लेता है और जब वो जिम में पहले दिन वर्कआउट करने जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जिम में एक महिला काफी कड़ा वर्कआउट कर रही थी। दरअसल वो एक लंबे तगड़े आदमी को लिफ्ट एंड कैरी करते हुए वर्कआउट कर रही थी और राकेश ने इससे पहले किसी को भी इस तरह का वर्कआउट करते नहीं देखा था। पर वो जब इस महिला को ध्यान से देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि स्कूल टाइम में उसके साथ पढ़ने वाली पूजा थी। राकेश जब पूजा से मिलता है तो वो भी उसे पहचान लेती है। राकेश पूजा से कहता है कि स्कूल टाइम में तो तुम काफी पतली दुबली हुआ करती थी, फिर इतना चेंज कैसे आया? तब पूजा उसे बताती है कि उसे अपना फिजिक काफी खराब लगता था और इसी कारण उसने स्कूल के बाद ही जिम में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था और रेगुलर वर्कआउट करते हुए आज वो इतनी टोन और मस्कुलर बन चुकी है कि आसानी से लंबे तगड़े लड़कों को भी लिफ्ट एंड कैरी कर लेती है। राकेश हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे भी लिफ्ट एंड कैरी करोगी? पूजा कहती है, अगर तुम चाहो तो। फिर राकेश के कहने पर पूजा राकेश को भी लिफ्ट एंड कैरी करती है। वो पहले राकेश को क्रेडल कैरी करती है। राकेश देखता है कि पूजा उसे काफी आसानी के साथ लिफ्ट एंड कैरी कर पा रही है और राकेश उससे जैसे भी खुद को लिफ्ट एंड कैरी करने के लिए कहता, काफी आसानी के साथ पूजा उसे वैसे ही लिफ्ट एंड कैरी कर देती। राकेश पूजा द्वारा खुद को लिफ्ट एंड कैरी किए जाने को काफी इंजॉय करता है और उससे कहता है, तुमसे मिलकर मजा आ गया। फिर अक्सर जब भी पूजा और राकेश मिलते तो पूजा राकेश को लिफ्ट एंड कैरी जरूर करती। दोस्तों, ये लिफ्ट एंड कैरी स्टोरी बस यहीं तक। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं और लिफ्ट एंड कैरी से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।